अभी तुम्हारा आ गया 15 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 2-2 का। तो ये तो फ्लो चार्ट गिवन है, नीचे आप देख सकते हो कि नीचे आपके पास ट्रेस टेबल की वैल्यू दी हुई है ना। सेट वन जो दिया हुआ है जी वो दिया हुआ है 5 2 4 3 1 5, इसका मतलब ये वैल्यूज ए बी सी डी ई एफ की हैं। जी सेट वन दे रहा है ना, टेबल में लिखा हुआ भाई 5 2 4 3 1 5। तो सब अगर आप ऊपर जाके देखोगे यहाँ पे, तो इनपुट कह रहा है इनपुट करो ए बी सी डी ई एफ, तो 6 वैल्यू आपने इनपुट करनी है, ठीक है ठीक ना। है तो वो 6 वैल्यूज क्या है, वो 6 वैल्यूज ये रही है आपके पास 5 2 4 3 1 5। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 2 4 3 1 और 5, बस पहली फुर्सत में आप ये डालो इसमें ठीक है ठीक 5 2 4 3 1 5। इसको मैं उड़ा के ऊपर ले जाता हूँ ताकि मुझे याद रहे 5 2 4 3 1 5, और ये मैं ऊपर आ गया। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरी वैल्यू है 5 2 4 3 1 5 वाली। अब वो कह रहा है ए को 1 से करो, ए को 1 से करने का मतलब है 5 1 5, यही है। तो ये आ जाएगा 5 1 5, फिर प्लस, एक सेकेंड रुकना था, तो ये हो गया तुम्हारा 5 1 5 प्लस 2 2 4, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो बी में तुम्हारे पास आ गया 2, बी में आ गया 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सी में आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। C3 है, जी प्लस D में है 3 और मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस E है A B C D E, E है 1 और मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। जी 5 1 5 प्लस 2 2 4 प्लस 4 3 12 प्लस 4 3 12 प्लस 3 4 12 जी प्लस फाइव देन वन जा फाइव, तो 5 और 4 9 12 21, 21 और 5 26 और 12 38, क्लियर है। जी 38 आपका चला गया टोटल में, आपका टोटल जो हो गया 38, इस पे आपने लिख दिया 38। चेक में कह रहा है टोटल को मॉड करो 11 से, 38 का मॉड 11 से जब आप करोगे तो मॉड देता है रिमाइंडर। सही है। मॉड और डिव वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, पहले भी दोबारा मैंने बता बताया दोगे था आप? मॉड जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर देता है, जैसे 11 3 जा 33 बच गया 5, जो बच गया वो मॉड जी होता है रिमाइंडर। मैंने पहले भी एक चीज आप लोगों को करवाई थी, मैं दिखा दूं अगर यहाँ जी हूँ, आपने करवाया था, मैं ठीक है। भूल तो गया। वन नोट पे वो मैंने किया हुआ था, उसी को खोल लेता हूँ। 38 mod 5, तो जाहिर है 11 3 जा 33 होता है, बचता है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ यही था। ये देखो, अगर आप
फाइव मॉड्यूलस टू लेते हो तो आप करते हो टू टू दा फोर, बच गया एक, तो मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर देता है अगर आप फाइव स्लैश स्क्रीन अटकी हुई है। आपने नोट पर खोला हुआ है ना? क्या आ गया देखो, अब आ गया फाइव मॉड्यूलस टू, टू टू जा फोर, बच गया एक, मॉड देता है रिमाइंडर वन। फाइव अपॉन टू इक्वल टू 2.5 कैसे होता है? इसमें आप क्वेश्चन देते हो और जो मॉड्यूलस होता है उसमें आप रिमाइंडर देते हो। ठीक है, सही है, एक सेकेंड रुकना जरा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया जी? अब वापस आ जाओ, अब आ गया ना 38 mod 11 जो है, इसको सही करते हैं, लिख इसमें गलती आ गई। तो 38 mod 11 का जो रिजल्ट आएगा, 38 mod 11 का, तो वो रिजल्ट चेक में जो जाएगा वो जाएगा 5। समझ में आ गई? क्योंकि 11 3 का 33 होता है, तो बचता कितना है? 38 में से 33 जाएगा, पांच बज जाएगा। अब कह रहा है चेक में, क्या चेक बराबर है एफ के? चेक में पड़ा हुआ है कितना? चेक में फाइव है, चेक में फाइव है, ठीक है, और एफ में पड़ा हुआ है फाइव, पांच, पांच पांच के बराबर है, तो आउटपुट कर दो एक्सेप्ट, सही है, और प्रोग्राम एंड कर दो। तो अब तुमने कुछ भी नहीं करना है, मैं एक्सेप्ट लिखूं। हाँ, तो टोटल का रिजल्ट कितना आ रहा था? टोटल 38 आ रहा था, टोटल का रिजल्ट 38 आ रहा, टोटल 38 आ रहा था, तो मैं यहाँ उड़ाता हूँ, टोटल में 38 डाल देता हूँ, टोटल में मैं यहाँ पे 38 डाल देता हूँ, ये मेरा टोटल में 38 आ गया। चेक में 5 आ रहा था, आई गेस जी, चेक में 5 आ रहा था, चेक का 5 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आउटपुट जो आ रहा था वो आ रहा था मेरे पास एक्सेप्ट, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दूंगा। अब आप इसका पार्ट टू खुद करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो ये जब तक आप करोगे ही ना टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा गलत, तब तक ये होगा नहीं। दे मॉड और डिफ का मतलब, अब यहाँ पे हमारे पास t1 बराबर है x div 2, यानी 5 को डिवाइड 2 करो तो आपके पास t1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी जी, ठीक है, t1 की जो वैल्यू आ जाएगा, तो t1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। फिर आप जब नीचे जाओगे और आप x mod 2 करोगे, x का मतलब 5 आ जाएगा, mod आ गया 2, mod में रिमाइंडर बचता है, तो 2 2 4 करोगे 1 बच जाएगा, सही है, पॉइंट समझ रहे हो जी? तो T1 के अंदर आपके पास चला गया, सही आया, बोल रहा वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं भाई, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा ये, मेरे पास तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है, रुको, पार्टिसिपेंट्स सिक्योरिटी होगी ना PSN और PO में, बिल्कुल डालोगे आप, पहले इन सारी चीजों को देख लेते हैं। T1 में आपके पास आ रहा है 2 और T2 में आपके पास आ रहा है 1, यही आ रहा है। तो आप सर अभी आप होस्ट तो नहीं है ना? मैं होस्ट नहीं, मैं होस्ट हूँ, होस्ट मैं ही हूँ। अच्छा,
ये हो गया। फिर वो ये कह रहा है कि भाई न्यू को प्लस करो T2 में। अब आपके पास न्यू में जो पड़ा हुआ था वो जीरो पड़ा हुआ था ऊपर, तो जी न्यू में जीरो पड़ा हुआ है प्लस T2 में आपके पास वन पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय पॉज एन में आपके पास वन पड़ा हुआ है। एक काम तो ये पीवन हो कितने में रहा, शुरू करेंगे? बस ये इसको सवाल करा दो तो शुरू कर लेता। इसके बाद एक एक और सवाल है जो कि वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, वो हाँ है चलो, सुडो कोड में लिखा हुआ है। या फिर देखो 10-15 मिनट बाद में तुम्हें खुद मैसेज कर देता हूँ, मैसेज देख लेना। ठीक है तो ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है, न्यू प्लस न्यू में जो रखा हुआ था हमारे पास वो था जीरो, प्लस T2 में जो हमारे पास रखा हुआ था वो था वन, और मल्टीप्लाई बाय पॉज एन में जो पड़ा हुआ था हमारे पास वन पड़ा हुआ था। तो 1 1 1 हो के न्यू में 1 चला जाएगा। ठीक है, और पॉज एन के अंदर आपके पास पड़ा हुआ था 1 1 मल्टीप्लाई हो के 10 से 10 हो जाएगा, और पॉज एन में 10 चला जाएगा। सही है, समझ रहे हो? जी तो कह रहा है क्या T1 बड़ा है इक्वल है T2 के? T1 था 2, यही है ना? क्या T1 बड़ा या बराबर है T2 के? T1 2 है, T1 में 2 है, तो ये बराबर है इक्वल टू है 2 के, तो T1 जो है वो 2 के बराबर है, जैसे सर ऐसा ही है। T1 तो 2 है और T2 तो 1 है। वो कह रहा है T1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, T1 तो 2 के बराबर आ रहा अच्छा है ना, अच्छा अच्छा तो यस है। यस होने का मतलब है T1 को उठा के एक्स में डाल दो, तो T1 को उठा के एक्स में डालने का मतलब ये है कि 2 डाल दो एक्स में, एक्स 2 के बराबर हो गया। अब आप उस हिसाब से चलते हो, नीचे आते हो, आपने इनपुट वैल्यू 5 डाली, तो आपने जो शुरुआत की थी एक्स की, सबसे पहले वैल्यू आपको 5 मिली थी, तो आप एक्स में 5 डालो पहले। पॉजन में आपके पास क्या आ रहा था? पॉजन में 1 आ रहा था, तो वन पॉजन में 1 डालो। न्यू में 0 था न्यू में 0 था, जी, T1 में क्या था? T1 में 2 था और T2 T2 में, हाँ वन, T में T2 वन में था। 1 है, फिर पॉज में 10 आया, फिर न्यू में 1 आया। ठीक है, ये हो गया। ये सब चल रहा था यहाँ पे, तो T2 में 1 था। अब जब ये घुमा है, यानी नेक्स्ट वैल्यू के लिए जा रहा है, नेक्स्ट वैल्यू के लिए जाने का मतलब है कि ये यहाँ तक ये सारा काम कर चुका था, न्यू और पॉज एन में जो डालना था, न्यू और पॉज एन। तो जब ये एक बार पहली बारी के लिए चल गया था ना, यानी पहली वाली में आपके पास जो वैल्यू आ रही थी T1 T2 आ गया था, T1 T2 आने के बाद न्यू की जो अगली वैल्यू आई थी वो आई थी आपके पास 1, तो वो 1 डालना होगा और पॉज एन की वैल्यू डालनी होगी, तो न्यू की जो अगली वैल्यू आई थी 1 वो यहाँ डलेगी। ठीक है, जी तो न्यू की अगली वैल्यू आ गई थी और पॉज एन 10 हो गया था, पॉज एन में 10 डाल दो। पॉज एन में 10 डाल दिया, नीचे आए, T1 T2 से बड़ा या बराबर है? T1 में 2 पड़ा हुआ था। हाँ अगर ऐसा है तो फिर आप जाओ और T1 को 2 में, T1 को एक्स में डाल दो, अब जो एक्स की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ऐसा ही है। जी अब ये 2 ऊपर जाएगा एक्स में, अब एक्स हो गया तुम्हारा 2, तो एक्स जब 2 हुआ तुम्हारा, तो 2 डिव 2 जो है, 2 को डिव अगर आप 2 से करो, वन हो तो जाएगा 2 डिव 2 जो है आपके पास 1 आ जाएगा, और एक्स में आपके पास दोबारा आ रहा था 2, 2 mod 2 आपका 0 हो जाएगा, 2 under 2 हो गया, 0 बचेगा। अब जो वैल्यूज आएंगी, T2 की जो वैल्यू आएगी, T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, और T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0।
ठीक है, फिर न्यू इंटू, न्यू इंटू टी टू करोगे, न्यू में क्या पढ़ा हुआ था भाई, न्यू में वन है, न्यू में वन है, न्यू में वन है, तो फिर आप उस वन को लोगे प्लस टी टू करोगे, तो न्यू में आपके पास वन है, उसमें प्लस टी टू करोगे, टी टू है जीरो, जी ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पॉज एन, पॉज एन में आखिरी क्या पड़ा हुआ था, टेन, टेन था, तो आप इसको टेन से मल्टीप्लाई कराओगे, टेन हो जाएगा, तो टेन जीरो था जीरो, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, पॉज एन के अंदर क्या था, टेन था, टेन था जी, टेन, टेन से हंड्रेड हो जाएगा, सही है ना, पॉजन में 100 चला गया, न्यू में आपका 1 था, न्यू में 1 आया तो फिर प्लस T2 में जो है ना 1 पड़ा, 0 था, T2 में 0 था, T2 में 0 था, तो उससे जब न्यू में 1 था फिर प्लस 0 होगा तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो 10 आएगा ना सर, कहां पर दोबारा बोलो, मैं कह रहा हूँ ये न्यू में तो 10 आएगा, अभी जो वैल्यू आएगी ना, न्यू जो वैल्यू होगी न्यू की, न्यू में 10 आखिरी रखा हुआ है, न्यू में 1 रखा हुआ है, न्यू में 1 है ना, न्यू में 1 प्लस T2 करने तो T2 0 था, उसको प्लस करेंगे तो 1 आया, अब उसको पॉज एन से मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स मैथ्स बोल रहे हो आप, मल्टीप्लिकेशन पहले होती है कि प्लस पहले होता है, सही ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी, हो गया, तब आप इसको पॉज एन, फिर जाहिर है आपके पास 10 जा रहा है, आखिरी वैल्यू थी, चीजें समझ लो जी, न्यू में फिर आपने 10 तो 0 किया, तो 0 हो गया प्लस 1 हो गया 1 आ गया, पॉज एन में 10 पड़ा हुआ था आखिरी आपके पास, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, सही है जी, अब आपसे कह रहा है T1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, T1 आपके पास 1 है, T1 में आपके पास 1 आ रहा है, तो 1 अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो नहीं रहा ना, नहीं, हाँ नहीं नहीं रहा, जब ऐसा नहीं रहा तो फिर आप क्या करोगे, न्यू प्लस T1 इनटू पॉज एन, अब आप T1 में देखो क्या पड़ा हुआ, T1 में आखिरी 1 पड़ा हुआ था, T1 में आखिरी 1 पड़ा हुआ था, 1 मल्टीप्लाई बाय पॉज एन करोगे, पॉज एन में आखिरी 100 पड़ा हुआ था, उससे पहले न्यू में क्या पड़ा हुआ था, न्यू में 1 था, 101 हो जाएगा, तो न्यू के अंदर जो अगली वैल्यू आएगी वो 101 आएगी, समझ लो, और उसके बाद ये आउटपुट न्यू करेगा, ये बेसिकली आपके पास जो बाइनरी नंबर है ना उसको कन्वर्ट कर रहा है, डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कर रहा है, क्योंकि 5 का जो आंसर आता है ना, जब आप 5 का डेसिमल का बाइनरी निकालोगे तो 5 आता है, तो ये वाला प्रोग्राम है, आउटपुट न्यू का मतलब है कि यहाँ पे फिर आउटपुट न्यू के अंदर जो है ना 101 आ रहा होगा, तो 101 प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट में 101 लिखते हैं, हाँ, अब उसको जिस, अब इसको अगर देखोगे तो यहाँ तक तो हम कर चुके थे, यानी उस पे हम चला चुके थे, अब हमें T2 और T1 की वैल्यू डालनी थी ना, तो T2 और T1 की वैल्यू आई थी हमारे पास, T1 और T2 की, वो लेटेस्ट वैल्यू आ गई थी जब चेंज कर दिया था, तो 10 आ गई थी, तो हम 10 डालते हैं पहले उसको, इस वाले को 1, इस वाले को 0, तो ये मैंने तो तीसरी लाइन में लिखा है इसको, तो इसी में आएगा ना, ये तो सीक्वेंस वाइज चल लो, फिर उसके बाद न्यू की वैल्यू जो थी वो 1 हो गई थी, और पॉज एन की 100 हो गई थी, न्यू की वैल्यू 1, पॉज एन की 100, ये दो चीजें हो गई, फिर उसमें कंडीशन चेक की थी, कंडीशन चेक होने के बाद न्यू में वैल्यू आनी चाहिए,
कंडीशन चेक होने पे 9 पे चला गया था, 9 पे आने के बाद जो न्यू की वैल्यू थी वो 101 थी, तो आपको न्यू की वैल्यू 101 डालनी होगी यहाँ। फिर आखिर में आउटपुट जब आप कराओगे तो वो 101 हो जाएगा। 0.7 में आ रहे जी, प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस उल्टी सीधी करो, फिर मार्किंग से चेक करो। ऐसा नहीं है कि एक सवाल नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दोगे, आगे बहुत सारे सवाल हैं करने के, उनको स्टार्ट तो लो पहले। मैंने ये करा था, फिर इसकी मार्किंग स्कीम चेक करी तो वो भी समझ में नहीं आई थी। अब आ गया, क्लियर हुआ? जी सर। करो उसको, ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कि गिव अप करो, बैठो लेके, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। सर एक लास्ट है, ये वाले मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते, सुडो कोड वाले, ये अभी फॉरन नहीं होंगे, ये इसकी पूरी क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, सुडो कोड ऐसे एक दिन में थोड़ी बता सकता हूं। फिर अभी जब क्लास लेके तो उसके अंदर लेके पढ़ेंगे सुडो कोड, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है 9-10 के अंदर, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जी। 9-10 के अंदर सुडो कोड पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने। 9th में ओवन में हम लोगों ने इतना कुछ खास पढ़ा ही नहीं था, तो वो लॉकडाउन भी तो हो गया था ना। ये करते हैं, इसको लेके बैठते हैं, देखो अभी एक दो दिन में जो है ना फिर प्रोग्रामिंग की क्लास लेता हूं मैं, स्टार्ट करता हूं। हमारा होने ही वाला था, एकदम से लॉकडाउन हो गया, फिर खुला, फिर उसके बाद दोबारा लॉकडाउन हो गया, कुछ होया ही नहीं पाया। चलो देखते हैं पहले इनको निपटाओ, जितनी बाकी की चीजें उसको देखो पहले। पहले ये फ्लोचार्ट वाले सवाल है इसको करो, ठीक है? ठीक है, बात होती है सर। तो फिर ये वाला जो है, ये वाला फिर सुडो कोड के चैप्टर में कराएंगे आप? हाँ, फिर उसी में कराऊंगा, टॉपिक ही अलग है ना, एक दिन में ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ, तो एक तुम्हारा सवाल आएगा तो मैं उसको कैसे बताऊंगा, जब तक पीछे की कुछ चीज़ ही नहीं पड़ी होगी, बैकग्राउंड नॉलेज कुछ भी नहीं होगी तो मैं तो कुछ भी नहीं बता पाऊंगा तुम्हें। ठीक है सर। तुम लाओ लाइन पे, P1 तो करा रहा हूँ ना मैं जी, P1 तो मैं करूंगा अभी, चैप्टर 1 चैप्टर 8 करा रहा हूं ना मैं। चैप्टर 8 करना ही आया तुमने? या आप हो बेटा, आवाज आ रही है? म्यूट हुआ है तुम्हारा, ठीक है। चलो खैर, तुम मैसेज पे जवाब दे देना मुझे, तो ये मीटिंग एंड हो रही है, इसको खत्म करके फिर दोबारा से ज्वाइन करो, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर दोबारा सेम लिंक पे ही आ जाना।